कोरोना ने ग्वाटेमाला की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। बजट में कटौती के बाद इस देश के लोग सड़कों पर आ गए हैं और संसद तक में आग लगा दी गई है। मध्य अमेरिका के एक छोटे से देश ग्वाटेमाला में हाहाकार मचा है। हर तरफ आगजनी हो रही है। सरकारी दफ्तरों और इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 72 घंटे से ग्वाटेमाला सिटी आग में जल रही है। कोरोना से मची बर्बादी और सरकार की लापरवाही का ये आक्रोश पूरी दुनिया को बता रहा है कि कोरोना की मार से पूरा का पूरा देश जल रहा है। कोरोना ने दस्तक दी, लोगों का रोजगार छना, ग्वाटेमाला की आम जनता आर्थिक रूप से बिखर गई। उसके बाद सरकार ने जो बजट पेश किया उससे हाहाकार मच गया। कर्ज में डूबी जनता को परेशानी से उबारने की बजाय सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट कम कर दिया, ऋण लेने की शर्तें कठिन कर दी। फिर क्या था, लोगों के सब्र का बांध टूट गया और 8,000 लोगों ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर पेट्रोल बम से वार किया। तोड़फोड़, मारामारी, भाग दौड़ और कोहराम से पूरा शहर दहल गया। कोरोना की मार से बेहाल है ग्वाटेमाला। 2021 के बजट का हो रहा विरोध, शिक्षा और स्वास्थ्य की बजट राशि घटाने का विरोध, तूफान और कोरोना की मार से बेहाल है देश। ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। ग्वाटेमाला की बड़ी आबादी कर्ज तले दबी हुई है और सरकार बजट में कटौती कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तूफान और कोरोना महामारी की वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार मदद की बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। आक्रोशित लोगों ने ग्वाटेमाला कांग्रेस के कई कार्यालय में आग लगा दी। राष्ट्रपति अलेजांद्रो लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील कर रहे हैं और दोषियों को सजा देने की भी धमकी दे रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग अब मानने को तैयार नहीं है। कोरोना काल में ग्वाटेमाला से आई ये तस्वीर बता रही है कि अगर सरकार समय रहते ठोस कदम नहीं उठाएगी तो ऐसे हालात कहीं भी बन सकते हैं। और वहीं दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कई देशों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है और कई लॉकडाउन की तैयारी में है देश। WHO ने भी कोरोना की थर्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 5,89,68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 14 लाख लोगों की जान जा चुकी है। यह खबर इसलिए डरावनी है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर ने मौत वाली दस्तक दे दी है। पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर पुरजोर तैयारी चल रही है और कोरोना अपनी पूरी ताकत के साथ विश्व में कोहराम मचा रहा है। ये विषय चिंता का इसलिए है क्योंकि नवंबर में संक्रमण ने जो तेजी पकड़ी है उससे पूरी दुनिया खौफजदा है। नवंबर में सबसे ज्यादा घातक हुआ कोरोना, 11 दिनों में 1,00,000 से ज्यादा मौत। नवंबर में अब तक 1,85,000 मौतें। अक्टूबर में 1,70,000 लोगों की जान चली गई। मौत के इन आंकड़ों ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इसकी रोकथाम में कहां कमी रह गई कि फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। 24 घंटे में 4,87,000 जाने गई। फ्रांस में दूसरी बार लॉकडाउन लगा। इटली में पूरे देश में नाइट कर्फ्यू है। जर्मनी में 2 नवंबर से आंशिक लॉकडाउन शुरू है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में दोबारा लॉकडाउन, लेबनान में दूसरी बार लॉकडाउन, ग्रीस में संपूर्ण लॉकडाउन। WHO ने पूरे यूरोप को आगाह किया, साथ में ये भी बताया है कि यूरोप ने कोरोना से मुकाबले की रणनीति नहीं बनाई। हैरानी इस बात की है कि सुपर पावर अमेरिका में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस अमेरिका, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और रूस में है। ये रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया के ताकतवर और सामर्थ्य देश भी कोरोना के सामने नतमस्तक हो गए हैं और अपने लोगों को नहीं बचा पाए। चिंता भारत के लिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में दूसरे नंबर पर है, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी भारत बाकी दुनिया से बेहतर है। लेकिन दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में भी कोरोना का कहर अपने पूरे शबाब पर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।